अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ्रेंड्स इन द मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी। इसमें हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इनकी डेफिनेशन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो। आपको यहाँ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। इन पहली प्रॉपर्टी है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई जेथ एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर नेगेटिवली इक्वल टू जे आई एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी ए आई जे जो कोई एलिमेंट है वो उस जे आई एलिमेंट के इक्वल होगा बट नेगेटिव साइन के साथ। सेकेंड हमारे पास फोर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, यानी कोई मैट्रिक्स है और प्रिंसिपल तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे सपोज A11, A22, A33 इस तरह के जो एलिमेंट होंगे वो सभी जीरो होंगे। जीरो किस तरह से होंगे यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ये है, देन उस कंडीशन में हमारे पास इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होना चाहिए, तो आई बराबर जे पुट कर दे तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, यही सब देख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर कोई भी रियल नंबर उसके नेगेटिव पार्ट के इक्वल कब होता है जब वो जीरो हो, अदरवाइज वो इक्वल होते ही नहीं है, तो यहाँ से ए आई आई इक्वल टू जीरो हो गए हमारे पास। थर्ड जो है वो है स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बट नन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो नल मैट्रिक्स जो होगा स्क्वायर नल मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बट इसके अलावा कोई भी और अगर डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है क्या कोई डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ हो सकता है। किस तरह से हो सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं ऐसे मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो जीरो हो, तो फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर नल मैट्रिक्स जो होता है उसकी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होती है, तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बाकी और डायगोनल अगर डायगोनल एलिमेंट एक भी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती है वो नॉन जीरो होती है डायगोनल की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सभी एंट्रीज जो होती है वन वन होती है, तो वो जो मैट्रिक्स होंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगे। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नेसेसरी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद इफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए जो है कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन उस कंडीशन में अगर हम उसका किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें के ए तो वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन लैम्डा वन ए प्लस माइनस लैम्डा टू बी आर आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्केलर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। तो फ्रेंड्स पहले हमने पढ़ा था कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ से लैम्डा वन ए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लैम्डा टू बी जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो ये हो गया हमारे पास जैसे लैम्डा वन ए प्लस लैम्डा टू बी, तो यहाँ से हम लैम्डा वन ए डैश माइनस सॉरी प्लस लैम्डा टू बी डैश, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए माइनस लैम्डा ए से रिप्लेस करना होगा इसको, तो ये माइनस लैम्डा वन ए माइनस लैम्डा टू बी इक्वल टू तो माइनस लैम्डा वन ए प्लस लैम्डा टू बी, तो यहाँ से ये शो होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम माइनस साइन वाले के लिए शो करना चाहें इस माइनस साइन के लिए तो यहाँ पे माइनस साइन हमें पुट करना होगा, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ पे भी माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे इस टू टर्म में से तो यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए बी प्लस बी ए इक्वल टू जीरो, यानी ए और बी दो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में ए बी उनका दोनों का प्रोडक्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। फ्रेंड्स अगर ए बी प्लस बी ए यानी ए बी ए और बी का मल्टीप्लाई प्लस बी डॉट ए जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स हो, तो
तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए माइनस ए, तो माइनस माइनस हट जाएगा तो ये हुआ बी ए। बट इस टर्म से हमें हमें क्या चाहिए, माइनस ए बी के इक्वल, तो ये कब होगा, इस टर्म को अगर फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में बी ए बराबर माइनस ए बी होगा, तो ये माइनस ए बी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये टर्म सेटिस्फाई है तो ए बी डैश ए बी जो है वो भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इफ ए एंड बी आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए मस्ट बी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फ्रेंड्स उस कंडीशन में, यानी ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में ए बी माइनस बी ए जो है वो हमेशा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको हम शो कर सकते हैं ए बी माइनस बी ए, तो इसका हम डैश निकाले तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, तो इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, ये लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, तो ये हुआ बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश। अब फ्रेंड्स ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश बराबर बी होगा और ए डैश बराबर ए होगा, तो इसलिए यहाँ पे बी ए हो गया और ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी, तो यहाँ ये हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी माइनस बी ए जो है वो उसमें माइनस साइन कॉमन लेके हम लिख सकते हैं, ये हो गया ए इसके इक्वल होगा, तो ये हो गया हमारे पास, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी है। तो यहाँ से ए बी माइनस बी ए जो है हमेशा सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बशर्ते ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। इफ ए इज एनी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑल पॉजिटिव और इंटीजर पावर ऑफ ए आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फ्रेंड्स अगर हमारे पास ए जो है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में ऑल पावर पॉजिटिव पावर ओनली और जो पॉजिटिव पावर होंगे, यानी इवन पे हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, जहां और टर्म होगी वहां पे ये फॉलो होगा। क्यों होगा, ए एन डैश अगर देगा तो उसको लिख सकते हैं हम ए डैश टू द पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस ए, क्योंकि ए जो है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये माइनस ए के इक्वल होगा। अब ये एन ये कब होगा, ये माइनस ए एन कब होगा, ये तभी होगा जब एन ऑड होगा, अगर इवन होगा तो ये माइनस वन टू द पावर इवन, तो ये माइनस वन टू द पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ए टू द पावर एन के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में ए एन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर एन जो है वो ऑड है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ ए ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम शो कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सिमेट्रिक पार्ट जो होगा वो होता है वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश, एंड इसकी सिमेट्रिक पार्ट जो होता है वो होता है वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश, और टोटल ए जो होता है वो होता है ए बराबर वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश प्लस ए वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हम एक एग्जाम्पल से हम शो भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।